आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के ज्ञान सुधा सक्सेस साथी प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है आइए आज हम करते हैं नेट जे केमिस्ट्री के कुछ एम आज का पहला क्वेश्चन करने से पहले याद कर लेते हैं कि साइक्लोफेन किसे कहा जाता है साइक्लोफेन एक ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग होता है बेंजीन रिंग प्रतिस्थापित भी हो सकता है या अप्रतिस्थापित या अनसब्सटिट्यूटेड भी हो सकता है और इस तरह का होता कि जिसके दो ऐसे कार्बन जो कि निकटवर्ती न हो यानी ऑर्थो पे न होकर मेटा या पोजिशंस पर एक एलिफेटिक चेन लगा हुआ हो और जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं यदि वो पैरा पोजिशंस पे एलिफेटिक च्स लगा हुआ देखिए ये और ये ये दोनों आपस में पैरा हैं और इनमें एक एलिफेटिक चेन लगा हुआ हो तो ऐसे साइक्लोफेन को एनसा कंपाउंड्स कहा जाता है आ, ये जो चेन्स हैं ये आपस में मेटा पोजिशन पर भी हो सकते हैं और ये तो पैरा पोजिशन पे भी हो सकते हैं ऑर्थो पोजिशन पे नहीं होंगे तो ये ऐसे यौगिक कई बार जब सब्सटीट्यूटेड होते हैं आप देख सकते हैं एक हैंडल की तरह से ये बेंजीन रिंग पर ये दो ये जो प्रतिस्थापित है दो जगह पे लगा हुआ है और लैटिन में एंसा का मतलब हैंडल होता है तो पैरा पोजिशन पर ऐसे लगता है कि जैसे बेंजीन रिंग पर एक हैंडल लगा हुआ हो इसीलिए इसको एंसा कंपाउंड कहते हैं तो ऐनसा कंपाउंड जो है वो आ, आ, स्टीरियो आइसोमरिज्म दिखा सकते हैं जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि पैरा पोजीशन पे दो हेट्रो एटम्स जुड़े हुए हैं यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है और इस तरह से एक एल्किन अल्काइल ग्रुप या एल्काइल चेन इसमें लगा हुआ है दोनों पोजीशन पे पैरा पोजीशन पे और ये जो बेंजीन रिंग है ये जो कंपाउंड है वो अनसिमेट्रिक है एसिमेट्रिक है सम्मिट इसलिए नहीं है क्योंकि इसके यहाँ पर इस पोजीशन पर आ, जो ऑर्थो पोजीशन पे है ब्रिज के उस पर एक सब्सिट्यूंट प्रतिस्थापित या ब्रोमो ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है जिसकी वजह से ये आइसोमेरिज्म प्रदर्शित करता है जिस तरफ ये सब्सिटूंट हो आ, और जहाँ पर आ, जिस इस, इस प्लेन को छोड़कर जिस प्लेन पर यह सब्सिट्यूंट है या रिंग है उस प्लेन को छोड़कर जो पहला सी एच टू यानी निकटवर्ती सी एच टू होता है उसको हम पाइलट सी एच टू कहते हैं और इस इस रेफरेंस पॉइंट से इस संदर्भ बिंदु से जो जुड़ा हुआ हैड्रो एटम है उसको नंबर वन देते हैं और उसके बाद वाले को टू और उसके बाद वाले को थ्री आप देख सकते हैं कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज्ड है इसलिए इसका आर कॉन्फ़िगरेशन हुआ इसी तरह से जो ये कंपाउंड है इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो हैड्रो एटम्स हैं और ये तल है बेंजीन रिंग का एर्मेटिक रिंग का इससे जुड़ा हुआ जो पहला एटम है वो ये है जो कि इस तल पर नहीं है और यहाँ से हमने वन टू और थ्री इस तरह से मार्किंग की और ये भी आर सब ऑप्टिकल आइसोमर या आर आइसोमर uh, है आर स्टीरियो आइसोमर है तो इस प्रकार से हम इसका जो आर या एस कौन सा आइसोमर है वो निकालते हैं तो ये जो मैटर uh, है वो इधर लिखा हुआ है और uh, इसको हमने नासिपुरी के स्टीरियो केमिस्ट्री से लिया हुआ है उठाया है और uh, अगर आप इसका नोट्स बनाने चाह बनाना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके इसको स्टडी करके आप इसमें से नोट्स बना सकते हैं नेक्स्ट uh, जो हमें याद करना है वो है कि इस तरह के हेलिकल कंपाउंड्स जो हैं वो अगर तल से उभरा हुआ ये तल से उभरा हुआ हिस्सा है ये बिलो द प्लेन या तल से नीचे है तो जो उभरा हुआ हिस्सा है वहाँ से चलकर अगर हम जो नीचे की तरफ है वहाँ जाते हैं तो ये जो डायरेक्शन uh, है यहाँ से जो तल से नीचे की तरफ जाने वाला डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो उसको कहते हैं प्लस उसकी जगह लिखते हैं पी और अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है है साइड से डाउन साइड तो अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है उसे कहते हैं माइनस या माइनस का एम हेलिसिटी तो ये पी आइसोमर है और ये एम आइसोमर है तो इन बातों को हमने याद किया और अब हम देख रहे हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमें ये दो कंपाउंड्स दिए हुए हैं और बाय चांस की बात है कि हमने अभी जो दोनों एग्जाम्पल्स किए हुए हैं अभी जो हमने दो बातें याद की हैं उनमें ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं और इसका हमने एक्सप्लेनेशन पहले ही पढ़ लिया है तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है इसमें फर्स्ट जो है वो एम है और जी सेकेंड है आर है दिस इज़ द करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इससे पहले कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करें याद कर लेते हैं कि एक क्यूबिक क्यूबिक क्रिस्टल में टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स जो हैं ट्वेंटी थ्री होते हैं उनमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है और ये देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्रीज दिखाए हुए हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन एट नाइन और प्लेन को कहाँ रखा गया है वो डॉटेड लाइन से दिखाया गया है इस तरह के uh, ऐसे इस प्रकार और इस प्रकार से ये तीन उसके बाद ये डायग्नली और इस तरह से काटा हुआ है एजेस के थ्रू तो इस तरह इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पर नाइन सीमेट्रिक सिमेट्री प्लेन्स क्यूबिक स्ट्रक्चर में होते हैं उसी तरह से एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है टू टू फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री थ्री फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री और फोर फोल्ड एक्सेस ऑफ सिमेट्री इस तरह से होते हैं जो कि देखिए अब टू फोल्ड जो है ऑपोजिट एजेस से निकल रहा है ये ऑपोजिट कॉर्नर से सी थ्री निकल रहा है और ये ऑपोजिट साइड से फोर फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री निकल रहा है क्यूब में से और टोटल जो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं उस वो उनका डिस्क्रिप्शन इस प्रकार है प्ले एक सेंटर ऑफ सिमेट्री है बीच में टोटल सिमेट्री एलिमेंट्स जो हैं ट्वेंटी थ्री हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री नाइन एक्सिस ऑफ सिमेट्री थर्टीन सेंटर ऑफ सिमेट्री वन टोटल है ट्वेंटी थ्री जो कि इससे पहले वाले स्लाइड्स uh, में आपको दिखाया गया है अ क्यूब डज नॉट हैव सीमेट्री एलिमेंट एक क्यूब में इनमें से कौन सा सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता हमने देखा ये है ये है ये है और ये एलिमेंट नहीं होता है तो नहीं होता है पूछा गया है तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सी सिक्स क्यूब में ये सिमेट्री एलिमेंट नहीं होता है सो दिस इज़ द आंसर द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन ये हमें रिएक्शन दिया ये हमें रिए सबस्ट्रेट दिया हुआ है ये रिएक्शन हमें दिए हुए हैं और ये चार ऑप्शन हैं जिनमें से हमें अपना आंसर चुनना है तो द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ तो पहले वाला जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर लैक्टोन रिंग है और जो हमें एच बी आर दिया हुआ है इससे ये लै, लैक्टोन रिंग जो है वो ओपन होता है ये खुल जाता है और उसके बाद ये एस्टरीफिकेशन के लिए है फिर ये एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करता है और यहाँ से हाइड्रोलिसिस होता है तो जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी है किस प्रकार से है आइए देखते हैं ये सबस्ट्रेट हमने लिया और एच बी आर से रिंग uh, ओपनिंग की हमने आप देख सकते हैं कि प्रोटोनेशन uh, हुआ है वो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है और यहाँ सॉरी ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर ऑक्सीजन दोनों इलेक्ट्रॉन रिच है क्योंकि इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर ओ प्लस और यहाँ पर ओ एच यहाँ पर यह चेंज हो गया है मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से दिखाए हैं और ये जो सेंटर है हार्ड न्यूक् हार्ड इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये सेंटर जो है सॉफ्ट सेंटर है न्यूक्लोफिलिक अटैक के लिए तो बी आर जो है वो इस जगह पे आक्रमण करेगा जिससे कि ये रिंग ओपन हो जाएगी आप देख सकते हैं कि इस बॉन्ड के ये जो बॉन्ड है वो टूट रहा है और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑक्सीजन क्योंकि ओ प्लस उसके पास आ गया है उसने अपनी ओर ले लिया और सी डबल बॉन्ड ओ में कन्वर्ट हो गया ये जो ओ OH एच है वो यहाँ पर लिखा हुआ है और ये बॉन्ड टूट गया और इसके साथ लगा है बी आर जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो सी एच है वो यहाँ पर है अब इसके बाद नेक्स्ट रिएजेंट था एस्टेटिफिकेशन के लिए एम ई ओ एच इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो आप देख सकते हैं कि एस्टेफिकेशन ओ एच का ओ एम ई में एसिड का स्टेडिफिकेशन हो गया है और उसके बाद एसन टू रिएक्शन नेक्स्ट रिएजेंट हमारे पास ये था और बी uh, आर माइनस इसमें से माइनस बी आर माइनस इसमें से निकल गया है और ये जो न्यूक्लियर फाइल है वो यहाँ पर आ, उसने पोजीशन ले ली है उसके बाद है इसमें वर्कअप होगा एच थ्री ओ यानी डायलूट एसिड का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि ये बॉन्ड एस्टर जो है वो सी ओ ओ एच में कन्वर्ट हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं इसके अलावा ये जो ईमाइड ग्रुप है उसका वो भी रिंग ओपनिंग इस यहाँ पर हो जाएगी तो ये सारे ये जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमको एज अ रिजल्ट ऑफ विच वी विल गेट दीज प्रोडक्ट्स और हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन और ये सारा उसका एक्सप्लेनेशन था अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करते हुए इन सब चीज़ों को इनको नोट कट डाउन कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमको एसीटोन uh, का हेक्साफ्लोरोटिव uh, हमको यहाँ पर दिया हुआ है और टेटरा ट्राई मिथाइल फॉस्फिन प्लेटिनम ज़ीरो का जो रिएक्शन है इस एसीटोन डेरिवेटिव के साथ हो रहा है और इससे जो होगा वो एक ऑक्सीडन मेटल मेटल ऑक्सीडन रिंग बनता है और ये जो दूसरे ऑप्शन हैं इनमें से एक यहाँ जो दो ऑक्सीडन रिंग ऑपोजिट डायरेक्शन में दिस इज रॉन्ग और ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा दिस इज़ द करेक्ट आंसर डायरेक्ट क्वेश्चन था ये देख लेते हैं कि किस तरह से ये काम हुआ है Uh, ये इन दोनों के रिएक्शन से इस तरह से ऑक्सीजन बनेगा और टू पी एम ई थ्री जो है इसमें से निकल जाएगा सो ऑप्शन वाज ऑप्शन नंबर बी वाज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन को करने से पहले बोरोन ट्राईफ्लोराइड इथ बोरोन ट्राईफ्लोराइड इथरेट जिसको कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड ईथर कॉम्प्लेक्स या बोरोन ट्राईफ्लोराइड डाइथाइल ईथरेट के नाम से जाना जाता है ये कई रिएक्शंस में यूज़ होता है जहाँ पर ल्यूज पेसिड की जरूरत है लुइस बेस की ज़रूरत है या फिर जहाँ पर आ, बोरोन ट्राईफ्लोराइड की ज़रूरत है तो इसी टू हैंडल कंपैरेटिवली ये रिएजेंट होता है तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड के सोर्स या लुइस एसिड के uh, सोर्स के uh, रूप में इस uh, बोरोन ट्राईफ्लोराइड इथरेट का इस्तेमाल किया जाता है द मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ ये हमें सबस्ट्रेट दिया हुआ है और हमको जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड का इथरेट हमें दिया हुआ है और कोई रिएजेंट इसके अंदर नहीं है हमारे पास है ईपॉक्साइड रिंग हमारे पास है इपॉक्साइड रिंग क्योंकि ये लुएस एसिड है ये रिंग ओपनिंग करेगा और इस वजह से जो है आप देख सकते हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री यहाँ पर थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट है ये अपर साइड में ये दोनों ग्रुप्स लगे हुए हैं इपॉक्साइड रिंग जो है प्लेन के नीचे है तो आ, अगर रिंग ओपनिंग होती है आ, ऐसे में यहाँ रिंग ओपनिंग होती है जैसे बी एफ थ्री यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है इससे इलेक्ट्रॉन को वो लेने की कोशिश करता है तो ये जो बॉन्ड है ये टूटेगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो ट्रांसफ़र होगा आप देख सकते हैं हाइड्राइड है ट्रांसफ़र होगा और आ, इसके अलावा ये जो सी एच थ्री है अबव द प्लेन और यहाँ पर हाइड्रोजन है द प्लेन अबव द प्लेन क्यों है क्योंकि बिलो द प्लेन जो है ये अपॉक्साइड रिंग बनी हुई है पॉक्साइड रिंग बिलो द प्लेन है तो हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर अबव द प्लेन होगी और यहाँ पर अगर बी एफ थ्री ने अपना इसके साथ कॉम्प्लेक्स uh, बनाया इन दैट केस या तो ये माइग्रेट करे या तो ये माइग्रेट करे यहाँ हाइड्रोजन का माइग्रेशन इजी होगा सी एच थ्री के माइग्रेशन से क्योंकि वो बड़ा ग्रुप है इसलिए हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा और जैसे हाइड्रोजन माइग्रेट करेगा इस जगह पर तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि जो ये सी एच थ्री था जो अब द प्लेन वो बिलो द प्लेन हो जाएगा जैसे कि यहाँ पर इन्होंने दिखाया हुआ है तो ये जो सी एच थ्री बिलो द प्लेन चला जाएगा और ये हाइड्रोजन अबव द प्लेन आ जाएगा तो यहाँ पर जो दिखाया यहाँ पर सी एच थ्री का माइग्रेशन दिखाया है वो गलत है यहाँ पर एक और सी एच थ्री दिखाया गया है जो कि गलत है यहाँ पर यहाँ पर ओ OH एच बनाया हुआ है जैसे ओ OH एच और सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पर तो ये आ, यहाँ पर कोई और रिएजेंट ऐसा नहीं है कि ओ एच OH या इस तरह से इसका ये प्रोडक्ट बन सके तो हमारे पास ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर ए है लेटेस्ट सी कि किस तरह से है ये ये देखिए बी एफ थ्री और ये हाइड्रोजन का माइग्रेशन हम हाइड्रोजन का माइग्रेशन एंटी होगा ये बिलो द प्लेन है तो ये अबव द प्लेन हाइड्रोजन जो है वो माइग्रेट आ, करेगा इस तरह से सी एच टी जो है वो नीचे चला जाएगा एच ऊपर आ, आ जाएगा और यहाँ पर ये प्लस चार्ज क्रिएट हो जाएगा इस वाले कार्बन पर जहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है इसके बाद जो है बी एफ टी इसमें से निकल जाएगा और सी डबल बॉन्ड ओ यहाँ पर रह जाएगा तो आ, हमारे पास किसी भी हालत में इससे आगे क्योंकि कीटो ग्रुप जो है वो ज़्यादा स्टेबल है इनऑल से सो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन जो ऑप्शन नंबर ए था हमारे आंसर के लिए नेक्स्ट रिएक्शन uh, को करने से पहले मक मैकमरे uh, कपलिंग को याद कर लेते हैं uh, इस uh, में टाइटेनियम टाइटेनियम क्लोराइड uh, का इस्तेमाल किया जाता है या लो टाइटेनियम का इस्तेमाल किया जाता है और एक किसी रिड्यूसिंग एजेंट के साथ और इसमें होता क्या है वो देख लीजिए सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड हो दो कार्बनल ग्रुप्स हैं यहाँ पर और मैकमरे कपलिंग के द्वारा उसके वजह से ये डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड जो है ऑक्सीजन ये दोनों हट जाएंगे और इन दोनों कार्बन को आप इकट्ठे लिख सकते हैं डबल बॉन्ड के द्वारा तो इसी तरह से जैसे कि यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ हैं इनके ऑक्सीजन को हटा दीजिए इन दोनों कार्बन को सी डबल बॉन्ड सी से आपस में जोड़ दीजिए तो आप देख सकते हैं कि ये जो है इंटर मोलिकुलर रिएक्शन भी हो सकता है और इंट्रा इंट्रामोलिकुलर भी हो सकता है बशर्ते यहाँ जो कार्बन है वो इतने संख्या में हो ताकि एक स्टेबल रिंग यहाँ पर बन सके आप देख सकते हैं कि वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स यहाँ पर छह कार्बन है और ये दोनों ये भी सिक्स मेंबर रिंग है और ये जो दो ऑक्सीजन है वो उनकी जगह पे डबल बॉन्ड यहाँ पर सी डबल बॉन्ड सी बना है और पहले और छठे कार्बन पर तीन कार्बन का चेन एक दो तीन एक दो तीन तीन, तीन कार्बन का चेन जैसा था वैसा ही यहाँ पर जुड़ा हुआ है एज सच दर इज़ नो चेंज इन दिस चें द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज़ तो हम हमें देखते ही समझ में आ जा आ जाता है जैसे कि जैसे ही हमने लिथियम थी एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी रिड्यूसिंग एजेंट को देखा है और लो वेलन uh, हेलोजन हैलाइड को देखा है तो हमें मालूम पड़ जाता है मैकमेरी रिएक्शन इसके अंदर होगा मैकमेरी रिएक्शन होगा ये गिनते हैं कि कितने uh, कार्बन है ये सिक्स है सिक्स uh, के अलावा ये सेवन एट नाइन टेन तो दस कार्बन का इसमें चेन है या पहला और दसवां कार्बन जो है आपस में जुड़ जाएंगे यहाँ अगर इन दोनों ऑप्शंस को देखें हम तो डीजा सिक्स सिक्स के बाद सेवन एट नाइन तो नौ कार्बन है जो कि आंसर आ, इस रॉन्ग ये भी इसी वजह से गलत है इन दोनों में से कोई एक हो सकता है और हम अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर ओ एम ई है और इसमें हम देखें कि कितने कार्बन है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन तो एलेवन कार्बन ऑप्शन इज रॉन्ग तो ये हमारा आंसर होगा हम सिर्फ मकमरे जो रिएक्शन है उसके द्वारा ही हम इस तक आसानी से पहुंच सकते हैं एच टी ओ प्लस है तो यहाँ ओ एच हो जाएगा और अगर यहाँ ओ एच हो जाएगा उसका कीटो इनऑल्ट में कीटो फॉर्म जो है ज़्यादा स्टेबल होता है इस वजह से इसका जो कीटो फॉर्म है वो हमको यहाँ पर प्राप्त होगा सो so, सी कि, कि किस तरह से ये होता है कुल मिला के हम मैकमरे uh, uh, कपलिंग के द्वारा ही आंसर बी तक पहुँच सकते हैं लेकिन पूरा आंसर जानना जरूरी है सी हाउ इज़ इट हैपनिंग ये मैकबरी रिएक्शन हुआ पहला और दसवां जो कार्बन है वो आपस में सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ गए हैं ये सी एच थ्री जो है वो ये रहा और ये जो ओ एम ई है वो यहाँ पर लगा हुआ है और उसके बाद एच थ्री ओ प्लस की वजह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोलिस हुआ है पहले और एसिडिफिकेशन और हाइड्रोलिसिस हुआ है यहाँ पर एक प्रोटोन जुड़ा है जिससे ये सी डबल बॉन्ड सी एस पी टू हाइब्रिडाइज जो है एस पी थ्री हाइब्रिडाइज में चेंज चेंज हुआ है इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हुआ है ओ okay के पर प्लस आया है और डबल बॉन्ड यहाँ पर एक नया बना है और हाइड्रोलिसिस के द्वारा ये कीटो ग्रुप में चेंज हो गया है तो इसका uh, जो आंसर है uh, वो ऑप्शन नंबर बी इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है द मेजर प्रोडक्ट प्रोडक्ट्स ए एंड बी इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर तो ये हमें सबस्ट्रेट दिया हुआ है और हमें एच टू ओ टू एन एच दिया हुआ है और देखते ही हमें लगता है कि यहाँ सी डबल बॉन्ड सी है तो पॉक्सीडेशन होगा और उसके बाद एन एच टू एन एच टू एन ए सी ओ एच है यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ है तो इसके साथ रिएक्शन होगा सॉरी नॉट विटिग इसका रिडक्शन होगा और सी एच टू में ये चेंज uh, हो जाएगा uh, तो किस प्रकार से हो रहा है वो रिएक्शन देख लेते हैं जैसे uh, हम अगर इसको देखें ये अबव द प्लेन है और अबव द प्लेन है तो uh, यहाँ ये जो रिंग बन रहा है स्टेरिक इंडरेंस फेस करेगा तो ऊपर की तरफ से सी डबल ये जो डबल बॉन्ड सी है उस पर ये ऑक्सीजन ऊपर की तरफ से या ऊपर की साइड में इस तरह से नहीं लग सकता क्योंकि इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसका स्टेरिक इंडेरेंस है तो ये दोनों ऑप्शन जो हैं वो आउटराइटली कैंसिल हो जाते हैं देखिए इपॉक्सा ड्रिंग जो है बिलो द प्लेन यहाँ पर बना है तो ए और बी में से हमारा आंसर आएगा Uh, उसके बाद हम देखते हैं कि uh, क्या हो रहा है एन एच टू एन एच टू हाइड्रोजीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए सी ओ एच तो जो सी डबल बॉन्ड सी है uh, वो जो है सी एच टू में कन्वर्ट हो सकता है और uh, क्योंकि यहाँ पर ये uh, जो सी डबल इपॉक्साइड रिंग जो है वो कॉन्जुगेशन में है इसलिए वो एसिड के प्रेजेंस में और हाइड्रोजन के प्रेजेंस में वो टूट जाएगा टूट कर ये ओ एच OH में चेंज हो जाएगा और यहाँ पर एक डबल इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की वजह से डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी क्रिएट होगा तो हमारा जो ऑप्शन है दैट इज़ आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी सो लेट अस सी किस तरह से होता है uh, ये जो इपॉक्साइड um, ड्रिंक uh, का बच जाना और इस तरह से सी एच टू का यहाँ बन जाना जो कि आमतौर पे हम उम्मीद कर सकते हैं ऐसे ऐसेज में वो यहाँ पर नहीं होगा कैसे लेट अस सी तो ये है अपना हाइड्रोजन परऑक्साइड और यहाँ पर हुआ है एपॉक्सीडेशन जैसे कि आप देख सकते हैं ये आ, जो बिलो द प्लेन एपॉक्सीडेशन होगा क्योंकि अबव द प्लेन यहाँ पर सी एच थ्री है और उसके बाद हाइड्रोजीन के साथ सी डबल बॉन्ड ओ के साथ ये Uh, हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड uh, बना और आप देख सकते हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉन शिफ्ट की वजह से कॉन्जुगेशन में सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड ओ है uh, इसकी वजह से ये रिंग ओपनिंग हुई है और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में बर्कअप होने पर यहाँ पर से नाइट्रोजन का लॉस होगा और वी विल गेट दिस प्रोडक्ट बी सो दिस इज़ द करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन the reaction that gives ई uh, methyl मिथैल hex 3 ene is the major, as the major product is ये हमें चार options दिए हुए हैं और हमें पूछा है ये product कहाँ से मिलेगा तो इन चारों में से कौन सा देगा so this is the product हम ये product है जो हम ढूंढेंगे इसमें से कौन से में होगा और इसमें से ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है लेकिन इसको हमें आ, अपने वर्क करना पड़ेगा इसको लिख कर करना पड़ेगा तो हो जाएगा ये हमारा ए है ए सबस्ट्रेट uh, है और uh, हमने बोरन ट्राईफ्लोराइड का इथरेट हमने देखा कि ये एक लुइस uh, एसिड की तरह कार्य करता है ऑक्सीजन के पर लोन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसके साथ इसने बॉन्ड बनाया ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल हमें यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन हो रहा है एंटी एलिमिनेशन होने पर ये जो है वो ट्विस्ट होगा ट्विस्ट होने पर आ, जो सी एस आई एम ई थ्री जो है ये अबव द प्लेन और अबव द प्लेन है ज्योमेट्री इसकी फेवरेबल नहीं है इसीलिए ये रोटेट होगा और ये बिलो द प्लेन चला जाएगा बिलो द प्लेन जाने से ये अबव द प्लेन आएगा और जिससे कि आप देख सकते हैं कि अगर ये अबव द प्लेन आया है तो उसका मतलब इसकी जगह ये और इसकी जगह ये इसको क्लियर करती हूँ ये इसकी जगह और ये इसकी जगह आ जाएंगे रोटेशन के बाद कुल मिलाकर ये जो एल्कल ग्रुप है वो उसी डायरेक्शन में आ जाएगा जिस डायरेक्शन में यहाँ का एल्कल ग्रुप है और जिसकी वजह से ये ग्रुप भी गया और ये भी ग्रुप गया और सी डबल बाउंड सी यहाँ पर बना है और ये दोनों ग्रुप्स एक ही साइड में आ गए हैं तो ये जो है जेड आइसोमर है हमें ई e आइसोमर हमें चाहिए सो दिस इज़ नॉट करेक्ट ऑप्शन ये आंसर नहीं हो सकता नेक्स्ट हमें ऑप्शन uh, बी हमने यहाँ पर सॉरी ऑप्शन बी हमने यहाँ पर देखा है और एच सी पी के साथ यहाँ पर फिर वही एसिड एसिडिफिकेशन हुआ है इसका ओ OH एच का एलिमिनेट होता है ये आसानी से एच टू ओ के रूप में और ई वन एलिमिनेशन यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर सेज सेफ एलिमिनेशन होगा यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन वाली कोई बात नहीं रहेगी हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है यहाँ से भी जा सकता है जाएगा यहाँ से क्योंकि यहाँ से ज़्यादा सब्सिट्यूटेड जो एल्कन है वो हमें प्राप्त होगा या प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये यह ई एल्किन प्राप्त हुआ है लेकिन अगर हम अगर हम इसका नॉर्मिन देखें तो ये वो कंपाउंड नहीं है जो हमें प्रोडक्ट के रूप में पूछा गया तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट ऑप्शन इस वाले में देखते हैं कि यहाँ पर टर्श्री बिटॉक्साइड के प्रेजेंस में ये रिएक्शन करवाई गई है और आ, सब एज अ बेस इसने काम किया है और यहाँ से एक हाइड्रोजन का एलिमिनेशन एच प्लस हुआ ये सी माइनस के रूप में बना न्यूक्लियोफाइल बना है कार्बनल कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन करवाया गया है न्यूक्लिफिलिक अटैक इसमें हुआ है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कंपाउंड बना वो विटिक रिएक्शन दे सकता है ये और विटिक रिएक्शन की तरह रिएक्शन बना ऑग्जोफॉस्विटेन जो है इंटरमीडिएट इस प्रकार से बना है और ये, ये क्योंकि फोर मेंबर ड्रिंग है इसमें फ्री रोटेशन नहीं है तो जैसे इसका सिचुएशन है उसी सिचुएशन में यहाँ से एलिमिनेशन होगा ये दोनों ग्रुप्स जो हैं एट द सेम साइड ऑफ द डबल बॉन्ड है तो ये जेड आइसोमर बना है बाकी सब ठीक था लेकिन द आइसोमर इज जेड सो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर लास्ट ऑप्शन जो डी है उसको देख लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एल आई एच एम डी एस इज्रॉ इज अ स्ट्रॉग नॉन न्यूक्लियोफॉलिक बेस ये एक अच्छा बेस है ये और इस वजह से यहाँ से इसने एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया निकाल लिया और सी माइनस यहाँ पर आ, बना है और आ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप्स है तो यहाँ पर से ही हाइड्रोजन निकलेगा और उसके बाद इसका एल के साथ यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस न्यूक्लियोफाइल का हुआ जिससे कि हमको ये प्रोडक्ट देखिए ये जो हिस्सा है वो यहाँ जुड़ा हुआ है और बाकी सारा जो कंपाउंड है वो एस सच यहाँ पर है तो इसके इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ये नया बॉन्ड बना है और जिसमें इलेक्ट्रॉन का इस तरह से शिफ्ट आप देख सकते हैं और जिसकी वजह से ये आप देख सकते हैं डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया है ये रिएक्शन इस तरह से होगी और एस टू इसमें से अल्टीमेटली निकलेगा और एलिमिनेशन की वजह से यहाँ पर ई आइसोमर बनेगा अगर आप इस कंपाउंड को देखते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि ये सी सिंगल बॉन्ड सी है और जो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड था वो क्योंकि टूट गया है यहाँ से और ये वाला जो बॉन्ड है वो भी टूट गया है तो ये जो सॉरी uh, कार्बन uh, और नाइट्रोजन वाला बॉन्ड तो है इंटैक्ट है वहाँ पर ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड की जगह डबल बॉन्ड आ गया है और ये जो कार्बन और सल्फर के बीच में जो बॉन्ड था वो क्योंकि टूट गया है इसीलिए ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया है ये जो आ, ये जो रिंग थी वो टूट गई है और इसमें रोटेशन अब संभव है या पॉसिबल है जिसकी वजह से यहाँ पर एंटी एलिमिनेशन हो सकता है यानी ये रोटेशन होगा और ये और ये जो अब एक डायरेक्शन में दिख रहे हैं वो ये और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे ताकि ये जो ग्रुप है और ये ग्रुप है एलिमिनेट हो सकें कैसे एंटी एलिमिनेशन के द्वारा इसकी वजह से हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है वो एंटी या ई e, पोजीशन uh, पे हमको ये मिलेगा इसका जो आइसोमर uh, होगा वो ई e आइसोमर होगा इस तरह से रोटेशन की वजह से सो so, हमारा जो ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन थैंक यू फॉर बींग विद मी